इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल अभी तक बाहर मेहमान आ चुके हैं। कौन मेहमान? अम्मा की सहेलियां आ गई हैं और आपको पता है खाला भी आ गई हैं। तो अच्छा ठीक है, शादी तो शाम को है, अभी से तैयार होके क्या करूंगी मैं? बानो बाजी आप दुल्हन हैं, तैयार हो, बाहर जाकर बैठे उनसे बातें करें, मेहमानों ने ना आपको देखना है, ऐसे सड़ा हुआ मुंह लेकर जाएंगी बाहर? छोड़, तैयार तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए होना है, खाला के लिए थोड़ी होना। बानो बाजी प्लीज तैयार हो जाए ना, आपका वो लाल वाला जोड़ा है ना बहुत खूबसूरत है, मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें आप कैसी लगेंगी। अच्छा ये छोड़, ये बता के मंगू को कुछ पता चला? बानो बाजी चल जाएगा उसका भी पता, आज खुशी का दिन है। फिर भी पता तो चले, गया कहाँ है कमबख्त, बता के तो जाता। जब आपने उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो फिर वो आपको बताकर क्यों जाए? चल ठीक है ना बताता, मुझे अपने घर वालों को तो बता के जाता ना। आप ही प्लीज, इस वक्त ये सब बातें सोचने का वक्त नहीं है। देख मुझे मंगू की परवाह नहीं है, अगर ऐसे किसी को इम्तिहान में थोड़ी ना डालते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जहाँ जाता है जाए, मेरी बला से मुझे क्या। ये हुई ना बात, आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाए। अच्छा सुन, मेरे कहने पर एक बार जाकर टीपू से पूछ लेना ये गया किधर है। फिर वही बात, मेरी बहन नहीं है। मैं नहीं जा रही टीपू के पास, नहीं अब मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा रही, आप भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाएं। अच्छा सुनना, तैयार हो जाती हूँ, एक बार जाके टीपू से पूछ के बता दे मंगू किधर है प्लीज, मेरी जान नहीं है। मैं नहीं जा रही उस टीपू के पास, इतना एटीट्यूड शो करता है और पता नहीं कहाँ पर है वो। आप भी बाहर आ जाए जल्दी से तैयार होकर, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। कमबख्त, इसको भी ना इसी वक्त गायब होना था, सारा मजा खराब करके रख दिया। क्या तैयार हूँ मैं, दिल ही नहीं कर रहा, मार दिया दिल मेरा सारा, किधर जाके मरा है। प्लीज तुम उसको कुछ मत कहना, तुम जो बोलोगे मैं कर लूंगी, करने को तैयार हूँ। प्लीज तुम उसको कुछ मत कहना। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ उसके पास। मंगू का कुछ पता चला? हाँ पता चल गया, मंगू उसी के पास है। तुम अकेली मत जाना, टीपू को साथ ले जाना। नहीं मैं अकेली ही जाऊंगी। तू बड़ी कुर्बानी दे रही है। इंसान को सही काम करने के मौके बहुत कम मिलते हैं और बहुत सी गलतियों के बाद एक मौका मिलता है सही करने का, और शायद यही वो वक्त है। ठीक है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। प्लीज तुम किसी से जिक्र मत करना, मैं जा रही हूँ, फिर शायद मुलाकात हो या ना हो। बानो बाजी टीपू आया था बाहर। क्या कहते हैं? कह रहा था कि मंगू भाई का कुछ पता नहीं चला। क्यों? फिर भी उसको बोलती ना, पता तो करे कहाँ गया है, 3 दिन हो गए अभी तक पता ही नहीं चल रहा। टीपू कह रहा था कि उसको लगता है कि मंगू भाई को किसी ने अगवा कर लिया है।
क्या अगवा? मंगू को अगवा कर लिया किसी? किसने किया ऐसा? पता नहीं, टीपू बता रहा था जहां से उनकी बाइक मिली है ना, वहां पर एक आदमी ने बताया कि उनकी बाइक सड़क के बीच में पड़ी हुई थी। इसका मतलब कोई था उनके पीछे। कौन हो सकता है? अब मुझे क्या पता, मुझसे ज्यादा तो आप जानती हैं मंगू भाई को। और आखिरी दफा लड़ाई भी उनकी आपके होने वाले शोहर से ही हुई थी। क्या बकवास है साजन, पागल हो गई है? साजिद कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर कौन कर सकता है? किससे उनकी इतनी दुश्मनी थी? मुझे पता मुझे क्या करना। अब क्या करेंगी आप? टीपू सही कहता है, मंगू को इस वक्त सिर्फ एक ही बंदा गायब कर सकता है। कौन? साजिद। क्या कह रही हैं आप? क्योंकि साजिद के अलावा मंगू की किसी से दुश्मनी नहीं है। क्या साजिद भाई ऐसा कर सकते हैं? आप ही, आपको क्या हुआ एकदम से? कुछ नहीं, तो जा मैं आती हूँ। लेकिन मुझे तो जा ना, जा यहाँ से। ठीक, अब मैं उसका खुद ही बंदोबस्त करूंगा। उसका वो हर्ष करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। सर आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। क्यों नहीं कुछ करूंगा? क्या ये मामूली बात है कि एक इंसान भरे बाजार में मेरा गिरेबान पकड़ता है और मैं कुछ नहीं कर सकता? मंगू ऐसे बाज नहीं आएगा। जब मोहब्बत गहराई में चले जाती है ना, तो उसे हाथ डाल के निकालना पड़ता है। वो जिसे मोहब्बत कहता है ना, उसके हल्क में हाथ डाल के निकाल लूंगा। मुझे इसकी आंखें बहुत बुरी लगती हैं, जी चाहता है निकाल लूं। हार कर भी ना, इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है। देख मंगू, तुझसे ना मुझे डर लगने लग गया, मैं बता दी। बहरहाल मैंने ये पक्का सोच लिया कि शादी के बाद तुझे नौकरी नहीं करने देंगे। नौकरी फसाद की जड़ है। ओए, ये बात घूम फिर के तेरी शादी के ऊपर क्यों आ जाती है? वो शादी वादी नहीं करनी मैंने अभी, अब मुझे नौकरी लगी, अभी काम करने, पैसे कमाने। मैंने तुमने बताया नहीं इसे कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? कि आपने शादी और या अल्लाह क्या करूं? हेलो, क्या बात है जनाब, इंतजार नहीं हो रहा? खुद बारात लेकर आ जाओ। यू नो, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुमने भी स्पेशल पहना है और मैंने भी। यू नो, मैंने पहले कभी ऐसा ड्रेस नहीं पहना। हेलो, अरे फोन कर लिया तो बात नहीं करनी क्या? मंगू कहाँ है? कौन मंगू? देखो साजिद, अगर तुमने मंगू के साथ कुछ बुरा किया है ना,
तो उसके साथ कुछ बुरा मत करना, उसे जाने दो, वो बेकसूर है। देखो बानो, आज हमारी शादी है और ये बीच में मंगू कैसे आ गया? देखो मंगू 3 दिन से अपने घर से लापता है, उसकी तुम्हारे अलावा किसी से दुश्मनी नहीं थी जो उसको अगवा कर ले, उसको किसी ने अगवा किया है और मुझे पता है कि वो तुम ही हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे अगवा किया? हाँ मानो, आज हमारी शादी है और तुम उसे फोन करके ये पूछ रही हो कि मंगू कहाँ है, वो घटिया इंसान कहाँ पे, क्या हो गया यार? साजिद, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, मंगू के साथ। क्यों क्यों हर बार मुझे ही मोहब्बत का ऐसा सिला मिलता है, क्यों? और मुझे भी तो ऐसा ही सिला मिला ना तुमसे मोहब्बत करके। तुम क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? हाँ, याद आया, तुमने कहा था कि मैं पागल हूं, मुझे अपना इलाज करवाना चाहिए। ठीक कहा था तुमने, लेकिन लोग भी तो गलत है ना, वो भी तो ठीक नहीं है, वो इसी काबिल हैं। प्लीज तुम मंगू को जाने दो, मैं आ गई हूं ना यहाँ पर। मंगू कहाँ से आ गया तुम्हारे और मेरे बीच में, हैं? कहाँ से आ गया मंगू? देखा तुम्हारी सहेली का उस मंगू ने क्या हशर किया, उसके बावजूद तुम मंगू का पूछ रही हो मुझसे? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, हम दोनों सहेलियां हैं, मंगू को निकाल देते हैं ना बीच में से। मंगू को तुम ही लेकर आई थी ना, और तुम्हारी ही ख्वाहिश थी कि उसकी थोड़ी सी टुकाई लगनी चाहिए। देखो मैं गलत थी, अब जाने दो तुम इस बात को। वो तुम्हारे लिए हीरो बना, तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई उससे? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अब तुम्हारे सामने उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर फेंकूंगा, छोटे छोटे टुकड़े। मंगू कहाँ है? अगर तुमने मंगू के साथ कुछ बुरा किया है ना, तो उसके साथ कुछ बुरा मत करना, उसे जाने दो, वो बेकसूर है। मंगू 3 दिन से अपने घर से लापता है, उसकी तुम्हारे अलावा किसी से दुश्मनी नहीं थी जो उसको अगवा कर ले, उसको किसी ने अगवा किया है और मुझे पता है कि वो तुम ही हो। ये सारा कहाँ है? पता नहीं, उसका फोन यहाँ पड़ा है। नहीं, उसके पास ही होगा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? मुझे नहीं पता। अच्छा, जब वो आए ना तो उसे मेरे पास भेजना। जी ठीक है। सुनो जी, मुझे एक कप चाय बना दो।
और शौकी के लिए भी बना लेना एक कप चाय, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, कल से सोया ही नहीं है वो। जी ठीक है। आज तेरी शादी है और तू तू साजिद को फोन करके मंगू के बारे में पूछ रही है। क्यों किया तूने ऐसा है? अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले बता देती। अम्मा मेरी बात सुने। अम्मा अम्मा मुझे लगता है साजिद ने मंगू को अगवा किया, वरना कहाँ जा सकता मंगू। अरे बेड़ा गर्क हो जाए मंगू का और सत्य और नौस हो जाए, मर जाए मेरी तरफ से। मेरे घर के पीछे पड़ गया वो सत्य और नौस उसका। अरे पीछे, अरे जब भी मैं कोई खुशी का मुंह देखने लगती हूँ दीवार बन के खड़ा हो जाता हूँ मेरे सामने। आज कर दी है जा तू भी। प्लीज ऐसे मत रोए, पाने बाजी का इसमें कोई कसूर नहीं है। और जो कुछ है हम आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज ऐसे मत रोए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात, हम यहाँ से ना दूर चले जाएंगे। मुझे मुझे इन लोगों के दरमियान नहीं रहना, ये सब गंदे हैं। हम किसी और दुनिया में चले जाएंगे, अमेरिका यूरोप कहीं भी चले जाएंगे। मैं तंग आ गई हूँ इन लोगों की बातें सुन सुन कर। ठीक है, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मंगू का हमारी पिछली ज़िंदगी से भी कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही आने वाली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक होगा। मैं उससे अब कोई भी वास्ता नहीं रखूंगी। मंगू को मैं नहीं छोड़ सकती। मंगू को छोड़ दिया तो वो फिर वापस आ जाएगा तुम्हें मुझसे छीनने के लिए। नहीं, वो वापस नहीं आएगा। नहीं, वो वापस आएगा। देखो, किसी ने पहली बार मेरा ये हश्र किया है। नहीं, मैं मंगू को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती। तुम कोई और शर्त बताओ ना। मेरी बस एक ही शर्त है, तुम मंगू को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी। चलो ठीक है, मैं मंगू को छोड़ देती हूँ। तुम उसे कहो कि वो मुझसे माफी मांगे और वादा करे कि कभी भी हमारे बीच नहीं आएगा। तो मंगू जब चला जाएगा तो तुम हमेशा के लिए मेरी। हाँ हाँ, मंजूर है मुझे। सारा मेरा फोन नहीं उठा रही है। ये ले चाय। सारा से राबता हुआ? नहीं, मेरा उससे कोई राबता नहीं हुआ। ये बेटा, तुमने चाय क्यों बनाई? वो चाची ने बोला था। चाची?
ये चची किसको बोला तुमने? हाँ, तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे चची मत बोला करो। तुम में और सारा में कोई खास फर्क नहीं है, आप ही बोला करो मुझे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब बेटा आइंदा से ये आपने काम नहीं करना, ना ही चाय बनाना तुम्हारा काम है। तो किसका काम है फिर ये? तुम बेटा जरा बाहर जाओ, मैंने कोई बात करनी है। एक हफ्ता हुआ उसका बाप फौत हुआ है और तुम उससे काम करवा रही हो। वो बेचारी तो अभी सोग में है,